नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ चावल के फिंगर चिप्स। हमें चाहिए चावल का आटा। हमने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, आधी कटोरी बेसन लिया है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला, बेकिंग सोडा, हींग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन को गैस पर गर्म कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। डेढ़ चम्मच ऑयल डाला है हमने इसमें, और इसमें हम बेसन डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। हम इसमें चावल का आटा भी डाल देंगे। अब हम दोनों को अच्छे से भून लेंगे। हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है। हमने इसमें आधा गिलास पानी और डाला है। अब इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर और भून लेंगे। हमारा अच्छे से भुन चुका है और फूल भी गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे ढक करके। देखिए हमने इसमें निकाल लिया है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी हींग डालेंगे। ऊपर से हींग डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी कम। और सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। और हमने एक प्लेट में हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब हम हाथ में हल्का सा और लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी। देखिए हमने इतनी लोई बना के तैयार कर ली है इसकी। अब हम हाथ में फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक लोई को हम लेंगे, उसको हम ऐसे ऐसे
लंबा लंबा उसको हम रोल करेंगे। देखिए हम इसको इतना बड़ा कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस प्लेट में हमने ऑयल लगा लिया था, अब इसी प्रकार हम सब कर लेंगे। देखिए हमने सभी बना लिए हैं। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे और अब हम एक उठा करके इसमें डाल देंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितने हमारी कढ़ाई में आ जाएं उतने ही हम डालेंगे बस। पहले हम इतने सेक लेंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। तो हम कढ़ाई में ही अलग अलग कर देंगे। हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी प्रकार और सेक लेंगे। हमारे सभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे। जब इसको आप डालें तो तेज गैस पे डालें और फिर अलग हो जाए जब से, तब गैस आप धीमी कर दें। लीजिए हमारे तैयार हैं चावल के फिंगर चिप्स, कितने अच्छे बने हैं, देखिए कितने क्रंची बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।